स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल गुरुजी जी फॉर स्कूल में तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या को 11 वाली संख्याओं से कैसे गुणा करें 11 वाली संख्याओं से कैसे गुणा करने का मीनिंग यह है कि कोई भी संख्या हमारे पास होगी उसको हम 11, 111 और 1111 से कितनी जल्दी आसानी से हम उसको क्या करें गुणा करें परंपरागत तरीके से गुणा करेंगे तो हमको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वैदिक विधि से करेंगे तो थोड़ा हमको टाइम कम लगेगा तो आज हम वही चीज़ सीखने जा रहे हैं कि किन्हीं संख्याओं को ग्यारह एक सौ ग्यारह या एक हजार एक सौ ग्यारह के आ, से कैसे जल्दी से जल्दी, जल्दी गुणा किया जाए तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं ग्यारह से उसके बाद हम इन बाकी तीनों से भी ट्राई करेंगे कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम क्या करें गुणा करें तो चलिए आपके सामने एक बार नंबर ले लेता हूँ मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है तीन हजार दो सौ इक्यावन इसको हमने गुणा करना है ग्यारह से अब सिंपल सी बात है अगर आप जो परंपरागत तरीका है बत्तीस इक्यावन का गुणा करने का आप अगर इस ढंग से गुणा करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसको गुणा करने में पाँच से दस सेकंड का वक्त लग जाए पाँच से दस सेकंड मिनिमम पाँच और मैक्सिमम दस सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं बल्कि कहीं तो इसको पाँच सेकंड से पहले भी निकाल सकते हैं लेकिन अगर हम वैदिक विधि से करें तो इसका हम सोल्यूशन देखो मैं यहां पर आपके साथ निकाल रहा हूं टाइम नहीं लगा मुझे दो सौ तीन सेकंड में ये मैंने गुणा कर दिया कि बत्तीस को ग्यारह से गुणा करेंगे तो पैंतीस सात सौ इकसठ आएगा आप चाहो तो इसको अलग से गुणा करके देख सकते हैं जो परंपरागत तरीका आपको गुणा करने का है आप देखिए छह सात पांच और ये तीन पैंतीस सात सौ इकसठ पैंतीस सात सौ इकसठ यानी कि ये हमारा जो देखो परंपरागत तरीके से गुणा किया तो मुझे लगा इसमें कम से कम पांच सेकंड से ऊपर ही लगा मुझे इसमें गुणा करने में लेकिन इसको शायद तीन सेकंड में मैंने ये पूरा कर दिया तो ये कौन सी विधि है ऐसा कौन सा मैंने तरीका लगाया कि फटाफट मैंने इसको करके इसका गुणा निकाल दिया तो चलिए वो तरीका मैं बताता हूं कि कैसे मैंने तुरंत यहां पर ये गुणा करके इसको निकाल दिया है बत्तीस इक्यावन हमारे पास संख्या थी इसको हमने ग्यारह सौ गुणा करना था तो तरीका मैं बता रहा हूं तरीका सीखने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो आप तीन सेकंड से कम भी के टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं करने सॉल्व करने क्या करना आपने इस पूरी संख्या को बत्तीस इक्यावन को आप एक ब्रैकेट में अपने दिमाग में रख लीजिए पहले सीखने लगे कई बार पेपर में कर सकते हैं लेकिन उसका करने के बाद आपके दिमाग में इसको आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं ऐसा करने पर क्या करना है आपने सिंपल सा तरीका है ये जो ग्यारह आपने है ग्यारह में कितनी संख्या पर दो संख्याएं हमारे पास ठीक है तो आपने क्या करना है इस ब्रैकेट के दोनों तरफ दो जीरो लगा, लगा देना एक जीरो इधर लगाना है और एक जीरो इधर लगा देना है बस और कुछ नहीं करना है एक जीरो इधर एक जीरो इधर अब इन संख्याओं को क्योंकि देखो ये दो संख्याएं हैं तो दो दो के जोड़े में जोड़ना है जितनी संख्या होंगी उतने उतने के जोड़े में जोड़ना है यहां पर अगर एक और बढ़ा दो तीन संख्या हो जाएंगी तीन एक हो जाएंगे तो इनको तीन तीन को जोड़े में जोड़ेंगे लेकिन क्योंकि यहां पर दो ही है तो ये दो दो के जोड़े जोड़ते चले जाएंगे तो देखिए जीरो प्लस थ्री प्लस टू प्लस फाइव प्लस वन प्लस जीरो।, ये कर मैंने। तो जीरो प्लस थ्री थ्री मैं सीधे जोड़ रहा हूं देखो तीन दो पांच दो सात पांच छ और एक देखिए दो दो को जोड़ा करना है अब देखो यहां पर एक तरह का और भी है मतलब एक जोड़े में तो ये इसको पहले जीरो प्लस थ्री को आप ऐसे ले लीजिए ठीक है ठीक है इसको प्लस नहीं करना इसको ऐसे रखना है फिर तीन और दो का जोड़ा है तो तीन दो का एक अलग से जोड़ा बन गया फिर एक बन जाएगा आपका दो और पांच का फिर एक बन जाएगा आपका पांच और एक का और एक बन जाएगा एक और, एक जाएगा? एक और जीरो का तो ये बन जाएगा जीरो प्लस थ्री थ्री तीन दो पांच पांच और दो सात पांच और एक छस जीरो वन तो पैंतीस सात सौ इकसठ तो यह गुणा करने पे आपका इस ढंग से शॉर्ट का तरीका निकल गया चलिए एक और एग्जाम्पल आपको इसमें करके दिखा देता हूं <coughs> मान लीजिए आपके पास संख्या है सिक्स वन फोर थ्री इसको गुणा करना है ग्यारह से ठीक है तो अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे लेकिन आपको घबराना नहीं है आप चाहते पेपर निकालकर सॉल्व कर सकते हैं मैंने तरीके बताया था आपको कि इस पूरी संख्या को आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए और इनके दोनों तरफ उतने जीरो लगा मतलब दो मतलब दो जीरो टोटल लगाने इधर और इधर तो चलिए आपको बताया था मैंने दो दो के जोड़े में जोड़ना है तो ये आपको जाएगा एक इसमें जाएगा आपको चाहे तो ब्रैकेट भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जीरो प्लस सिक्स एक ब्रैकेट में दूसरे में सिक्स प्लस वन तीसरे में वन प्लस फोर फिर फोर प्लस थ्री और लास्ट में थ्री प्लस जीरो तो नोट कीजिए ये छ हो गया ये सात हो गया ये पांच हो गया ये सात हो गया और ये तीन हो गया तो छह हजार एक सौ तैतालीस को ग्यारह सौ गुणा करेंगे तो आएगा छ हजार सड़सठ हजार पाँच सौ तिहत्तर आप चाहो तो अपने मोबाइल के कैल्पेटर में इसको कॉल गणना करके देख सकते हैं अच्छा यहां पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराने की कोशिश कर रहा हूँ वो इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है क्योंकि ये सिंपल से कैलकुलेशन आपने कर दिया लेकिन कहीं पर अगर मान लो यहां पर तो छ प्लस एक सात आया चार प्लस वन फाइव आया ठीक है चार दिन सात आया लेकिन कहीं पर अगर मान लो यहां पर तीन की जगह आठ है यहां पर नौ है यहां पर मान लो सपोज छ है तो यहां पर छ होगा तो छह छह बारह हो जाएगा तो बारह के केस में हमने क्या करना वो चीज हमको देखनी ठीक है थीके? तो चलिए मैं आपको इसी तरह का एक और एग्जाम्पल इसमें करा देता हूं तो चलिए आपके सामने जो एग्जाम्पल नया एग्जाम्पल वो ये है अड़तालीस छिहत्तर दो सौ चौवन इंटू ग्यारह आपने क्या हुआ है? इसको गुणा करना है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो तरीका मैंने बताया था आपको कि इसको एक ब्रैकेट में पूरी संख्या आप एज इट इज रख देंगे जैसे अपना रखते हैं आप और इनके दोनों तरफ आप एक एक जीरो रख रखें दो जीरो टोटल रखने हमने है, हमने से ठीक है अब यह करना है बताया था आपको इनको एक एक मतलब दो दो संख्याओं को लेकर जोड़ना है तो एक एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे ये चार जोड़ दिया ये आठ जोड़ दिया ये आठ प्लस सात कर दिया सेवन प्लस सिक्स सिक्स प्लस टू टू प्लस फाइव फाइव प्लस फोर एंड दिस इज फोर प्लस जीरो लास्ट में जीरो जोड़ देना फर्स्ट में तो आप देखेंगे ये आपका चार हो गया ये आपका बारह हो गया ये आपका पंद्रह तेरह आठ सात नौ और ये चार तो आप देख सकते हैं अब इधर से आप देखेंगे तो चार नौ सात आठ तक तो सिंगल डिजिट्स हैं लेकिन तेरह पंद्रह बारह डबल डिजिट्स वाली आ गई हैं ये सिंगल चार तो कह रहे हैं यहां पर तो इस केस में हम क्या करेंगे ये हमारा मेन मुद्दा था तो देखिए क्या करना है कुछ ज्यादा नहीं करना है सिंपल से हमने क्या करना है जो डबल डिजिट्स वाली जो जो ब्रैकेट्स हैं उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है यही हमारा मेन मकसद है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा आप ये चार तो ऐसे ही था हम दाई तरफ से स्टार्ट करेंगे कम कर दाई तरफ से हम सिंगल डिजिट्स बनाते जाएंगे जैसे तेरह तो पहले तेरह को सिंगल करेंगे फिर पंद्रह को फिर बारह को ठीक है तो बारह भी ऐसे ही है अब देखो इसमें क्या करना है जो तेरह वाला जो तेरह का जो दहाई है इकाई आपका तीन हो गया दहाई आपका एक हो गया यानी यूनिट तीन हो गया और टेंस आपका वन हो गया तो इस वन को इसमें हम ऐड कर देंगे पंद्रह में जोड़ेंगे तो पंद्रह में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा और यहां पर तीन ऐसे का ऐसे छूट जाएगा तो बन गया सिंगल डिजिट बाकी जो आठ जो था सात नौ और चार को ऐसे रहने दीजिए फिर अब सोलह को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए वही सेम रूल लगेगा बारह एक तेरह कर देंगे और उसको छह रहने देंगे वैसे बाकी तीन आठ सात नौ और ये चार ऐसे रहने देंगे फिर तेरह को सिंगल डिजिट करेंगे तो उस तेरह का एक इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पांच ये बन जाएगा तीन छ तीन आठ सात नौ और ये चार तो देखिए आप प्रत्येक ब्रैकेट में आपके पास सिंगल सिंगल डिजिट्स आ गई हैं तो बस हमारा काम खत्म इसको थोड़ा ढंग से लग देंगे तो पांच तीन छ तीन आठ सात नौ चार तो कुल मिलाकर के इस संख्या को गुणा करने यानी कि अड़तालीस छिहत्तर दो सौ चौवन को ग्यारह से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा इतना जो भी है ये पांच करोड़ छत्तीस लाख अड़तीस हजार सात सौ चौरानबे इनको संख्या को गुणा करने पाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को सिर्फ ग्यारह से गुणा करने पर अलग अलग केसेस में इस केस में और जो छोटी संख्या वाले उस केस में कैसा उसका हम गुणनपल वैदिक विधि से निकाल सकते हैं वो आपने इसमें सीख लिया है तो चलिए अब सीखते हैं कि किसी भी संख्या को 111 से कैसे हम गुणा करें दोस्तों बताया था आपको इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि जहां हम 11 से गुणा करने पर हम क्या जो तो एक जोड़ा दो संख्याओं को एक जोड़ा बनाते थे यहां पर तीन संख्याओं को एक जोड़ा बनाना है लेकिन हम वहां पर क्या करते थे जब ग्यारह था जब ग्यारह था हमारे पास तो ग्यारह हम क्या कहते हैं दो जीरो लगाते थे एक इदर, एक इधर इधर तो बेसिकली जो मेन फंडामेंटल होते हैं बताता हूं आपको मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मान लीजिए चार को हमने गुणा करना है एक हजार करना है तो मेन फंडामेंटल क्या तो कि जितने ये अंक होते हैं एक एक वाले यानी ग्यारह वाले जो संख्याएं होती हैं एक एक तीन संख्या है तो तीन में माइनस एक कम कर तो दो बचता है तो दो दो जीरो दो जीरो साइड और दो जीरो लगाना हमने ब्रैकेट के कैसे चार सौ सत्तानबे ब्रैकेट कर देना है और दो जीरो इधर और दो जीरो इधर क्योंकि तीन में से एक गया दो और जहां पर ग्यारह था वहां पर ग्यारह में से एक गया सॉरी दो में से एक गया एक तो वहां पर एक एक जीरो हम लगाते एक जोड़ एक जोड़ो इधर बेसिकली ये फंडामेंटल है इसका ठीक है तो आप कंफ्यूजन मत हो कंफ्यूजन न करें आप कंफ्यूज ना करें तो ये हो गया तो अब यह करने हमने, हमने? अब बताया था आपको क्योंकि तीन संख्या है तो अब यहां पर हम तीन तीन का एक जोड़ा बनाएंगे जोड़ेंगे सबको तो पहले ये 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 जोड़ेगा तो जीरो प्लस जीरो प्लस फोर ये एक जोड़ा बन गया फिर एक जो है इसका बनेगा जीरो चार नौ का जीरो चार नौ फिर बनेगा चार नौ सात का चार नौ सात का फिर बनेगा सात जीरो जीरो का नहीं सॉरी फिर नौ सात जीरो का हम सॉरी नौ सात और ये जीरो का फिर बनेगा सात जीरो जीरो का सात जीरो और ये जीरो का बस इन संख्या को आप जोड़ दीजिए ये चार बन गया यहां पर नौ चार तेरह हो गया ये आपका गया नौ चार तेरह सात बीस हो गया और यह आपका नौ सात सोलह हो गया और यह आपका सात हो गया यह हो गया लेकिन अभी देखो डबल डिजिट्स है तो इनको हमको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना बता है बताया है तरीका आपको ये चार हो गया ये तेरह रहने दीजिए ये आपका सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होगा तो ये बीस और एक इक्कीस हो जाएगा और यहां यह पर ये छह बच जाएगा इस वाले ब्रैकेट में बाकी सात उधर है फिर ये दो डबल डिजिट डिजिट है तो ये चार हो जाएगा ये तेरह दो पंद्रह हो जाएगा ये आपका एक हो जाएगा ये छह और ये सात फिर यह पंद्रह चार तो यह चार छ बच जाएगा ये ये बच बच जाएगा जाएगा और ये सात बच जाएगा तो टोटल आएगा पांच पाँच एक छ सात तो कुल कहने का मीनिंग ये है कि 111 से यदि हम चार सौ को गुणा करेंगे तो आपका जो गुणनफल आएगा जो मल्टीप्लाई जो मतलब आंसर आएगा करके वो आएगा पचपन हजार एक सौ सड़सठ ठीक है पचपन हजार एक सौ सड़सठ आप चाहो तो अलग से गुणा करके भी इसको देख सकते हैं कि वाकई में इतना आंसर आता या नहीं आता ठीक है तो दोस्तों स्टूडेंट्स ये था आपका सिर्फ एक सौ ग्यारह से गुणा करने पर अब मान लीजिए कि हमारे पास होता है ग्यारह 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 एक हजार एक सौ ग्यारह अब इसे गुणा करना हमने एक हजार एक सौ ग्यारह से गुणा करना है बाकी इसमें और एग्जाम्पल बताऊंगा नहीं अब हम चलते हैं एक हजार एक सौ ग्यारह से गुणा करने पर कैसे कैस क्या आता है क्या मतलब कैसे उसको हम ये आ, क्या करें क्या उसका मेथड होगा ठीक है तो चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं अब जैसे कि हमने बोला हजार एक सौ ग्यारह से गुणा करना है तो मैंने एग्जाम्पल सेम ही लिया है चार सौ सत्तानबे को लिया है, उसको हमने एक हजार एक सौ ग्यारह से क्या करना है गुणा करना है इसमें तरीका सेम वही है आपने करना क्या है इसमें थोड़ा सा एक अंतर आएगा वो अंतर आपको थोड़ा समझने समझना है चार सौ सत्तानवे ऐसे रखेंगे अब क्योंकि ये चार हैं तो चार में से एक कम होगा तीन तो तीन जीरो हम उसके दोनों तरफ रख देंगे एक दो तीन ठीक है इसे रख दिया अब हमने क्या करना है वही है चार हैं तो हमने क्या करें चार चार का जोड़ा करके इसको क्या करना है जोड़ना है लेकिन पहले क्या था कि हम जब भी जोड़ा बनाते हैं तो हम यहां से बाई तरफ से स्टार्ट करके जोड़ जोड़ते थे, थे लेकिन इस केस में आपने क्या करना है इस बाई तरफ से इधर को जोड़ना है ठीक है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन उसमें क्या करना आपने स्टेप बाय स्टेप आप इसमें सॉल्व करते जाएंगे तो मैं यहां पर क्या करूं मैं जोड़े बना बना बनाकर इसमें जोड़ क्योंकि बाई तरफ से थोड़ा मतलब दाई तरफ से बाई तरफ बनाएंगे थोड़ा दिक्कत होगी जोड़ने में तो मैं इसको अलग अलग केस में कर रहा हूं इसको यहां पर ठीक है तो यहां से पहले चार का चार का हम जोड़ा बनाते हैं तो एक दो तीन चार यानी कि यहां से अगर मैं करूं तो यहां तक मैंने ये जोड़ा बनाया ठीक है तो पहला जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस सेवन जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस सेवन एक दो तीन चार तो ये कितना आया बराबर सात आया जुड़ करके ठीक है इसी ढंग से अब दूसरा स्टेप क्या होगा एक दो तीन चार नौ तक तो ये यहां से लेकर के तक जीरो प्लस जीरो प्लस सेवन प्लस नाइन जीरो प्लस जीरो प्लस सेवन प्लस नाइन तो कितना आया नौ सात सोलह फिर तीसरा स्टेप क्या आएगा तीसरा यहां से स्टार्ट होगा जीरो सेवन नाइन फोर जीरो सेवन नाइन फोर तो यह आपका नौ सात सोलह चार बीस ठीक है चौथा स्टेप क्या आएगा ये भी हो गया अब यहां से स्टार्ट होगा सात से स्टार्ट सात नौ चार जीरो सात नौ चार जीरो सात नौ चार जीरो तो यह नौ सात सोलह चार बीस ये भी बीस आ रहा ठीक है पाँचवा स्टेप क्या होगा आपका अब नौ से स्टार्ट होगा नौ चार जीरो जीरो नौ चार जीरो जीरो नौ चार जीरो जीरो तो ये आपका आया नौ चार तेरह छठवा स्टेप क्या होगा नौ से स्टेप होगा अब चार जीरो 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 एक दो तीन चार चार जीरो 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 एक दो तीन चार बराबर चार तो ये आ गया हमारे पास तो इस प्रकार हर अंक की देखो ये अंक था आपका इधर दशा आया ना तो हम यहां से रखेंगे बस सात ब्रेकेट में सात सोलह बीस बीस तेरह चार तेरह और ये चार जो हम स्टार्ट में करते आ रहे थे अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये डबल डबल डिजिट सब आ रही है तो इन डबल डिजिट्स को हमने कन्वर्ट करना है सिंगल डिजिट में तो दाएं से ही स्टार्ट करेंगे पहले इस सोलह को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो तरीका आपको पता है ये कैसा करना था चार तेरह बीस और इसको कन्वर्ट कर करेंगे बीस और एक इक्कीस इसको इक्कीस कर देंगे इसको छोड़ देंगे और ये सात अपना ऑर्डियो पहले से था ठीक है फिर इस को कन्वर्ट करेंगे तेरह दो बाईस और ये एक बच जाएगा बाकी छह और सात तो वहां पर ऑलरेडी थे फिर इस बाईस को कन्वर्ट करेंगे तो चार तेरह दो पंद्रह और ये दो बच जाएगा ये एक ये छह और ये सात फिर पंद्रह कन्वर्ट करेंगे चार एक पांच हो जाएगा पांच यहां पर पांच छूट जाएगा यहां पर दो छूटेगा यहां पर एक छ और ये सात तो अब आप देख सकते हैं कि पूरे सभी सभी ब्रेकेट्स में हमारे पास क्या आया है सिंगल सिंगल डिजिट्स आए हैं तो इस केस में अब आंसर आ गया हमारा पांच पांच दो एक सात तो ये आपका आंसर है दाई हजा लाग, लाग हजार एक सौ सड़सठ यानी कि चार सौ सत्तानवे को एक हजार एक सौ ग्यारह से गुणा करेंगे तो इतना आएगा तो लगभग लगभग ये जो है परंपरागत तरीके वाला टाइम्स पर ले रहा है लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा आपको कि अगर आप ये सीख गए तो शायद क्या इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेकिन वो जो हमारा परंपरागत तरीका है लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस कहीं भी नहीं होंगे आप तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ये एक तरीका अदरवाइज तो जब भी सॉल्व करना तो लोग परंपरागत तरीके से ही सॉल्व करते हैं लेकिन आप इसकी अगर प्रैक्टिस होगा आपको तो ये भी आपको काम चल सकता है तो ये था आज के वीडियो में कि 11 से बनने वाली संख्याओं से हम किसी भी संख्या को किस तरह से गुणा करते हैं वैदिक रीति में वो ये आपके सामने था तो आज के वीडियो में इतना ही था यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जो जिन दोस्तों ने जिन स्टूडेंट्स ने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज अपनी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ तब तक मुझे अनुमति दीजिए धन्यवाद